ये टक्कर है जी, कांड क्या माहौल है अब की बार जी? माहौल गोल चल रहा है। विरोध तो दुनिया करती है, मैं आपका विरोध कर दूं आप मेरा क्या कर लोगे? सही देखे जाए तो वैसे 3 साल तो कांडा ठीक रहे, वैसे पक्ष में ही है जी। अब की बार पक्ष में बन बना है। विपक्ष में बैठने पहले बैठे थे, अब बैठे फायदा क्या इसी का? अल्लाहबाद अभय सिंह चौटाला का होगा इस बार। विधायक पहले था विधायक, अब बैठना है, फिर फायदा क्या चीज़ में होगा? कांग्रेस की जो टिकट थी वो भरत सिंह बेनीवाल की थी। विधायक पहले था विधायक, अब बनना है, फायदा क्या चीज़? इससे अच्छा तो सरकार में जाए, बढ़िया अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। एलनाबाद से मैं अनिल कुमार, लगातार हम गांव टू गांव जा रहे हैं एलनाबाद के, क्योंकि यहां पे एलनाबाद में उपचुनाव जो हो रहा है, अभय सिंह चौटाला जो है उनके इस्तीफे के बाद फिर यहां पर जो चुनाव किया जा रहा है, तीनों पार्टियों के प्रत्याशी जो यहां पे हैं चुनाव लड़ रहे हैं। अगर बात करें इनेलो की तरफ से, अभय सिंह चौटाला खुद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बात करें बीजेपी की तरफ से, गोविंद कांडा जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। एक कांग्रेस की तरफ से पवन बेनीवाल जो है यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जो है वो अब अंतिम पड़ाव में जो है पहुँच चुका है, और अंतिम पड़ाव में जाने के बाद हम लगातार गाँव टू गाँव आपको लोगों की राय जो दिखा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी जो एलनाबाद की जो यहाँ की जनता है वो किसके ऊपर जो है एलनाबाद का जो ताज रखना चाहेगी, यानी कि किसका होगा एलनाबाद। कम को लेकर के पंजाब केसरी की टीवी की टीम पहुंची है एलनाबाद के माधो सिंघाना गांव में। जानेंगे लोगों की राय कि वो अब की बार किसके साथ में जाएंगे, विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे या पक्ष में बैठना जो है वो पसंद करेंगे। हमारे साथ में है यहाँ पे अब माधो सिंघाना से ही हैं। अब की बार क्या बदलाव आएगा आपके चुनाव यहाँ पे हो रहा है उपचुनाव, तीनों पार्टियों के प्रत्याशी जो है मैदान में हैं, सबसे मजबूत कौन है? ये टक्कर है जी कांडा बिल्लू की, जबरदस्त टक्कर है कांडा बिल्लू की, देखने की जबरदस्त टक्कर है जी। सही कौन है इनमें से? सही देखे जाए तो वैसे 3 साल तो कांडा ठीक रहे, वैसे सरकार के साथ में ठीक रहेगा। विपक्ष में बैठने पहले बैठे थे, अब बैठे फायदा क्या इसी का? तो अब की बार विपक्ष में नहीं बैठेंगे आप? नहीं बैठे हैं। अब की बार है कांडा के साथ। कांडा के साथ बात करें आपके गांव की, यहाँ की जो आपका ये माधो सिंघाना गांव है, पिछले जो यहाँ पे MLA रहे, मंत्री रहे आपके एरिया के, क्या उन्होंने यहाँ पे कोई विकास कार्य करवाया? काम तो करवाया जी, करवाया है। काम किसकी सरकार में? ये देखो जो कोटा विधायक के बारे वो तो करते हैं काम थोड़ा जी। उतना बीजेपी का अच्छा, बहुत बढ़िया काम कराया है। अच्छा। हाँ, अच्छा काम कराया है। आपके क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं जी, इतनी फोर्स आई पड़ी है। ये जी दिक्कत ये जी, देखो जी विधायक पहले था विधायक, अब बैठना है, फिर फायदा कैसे ना होगा ना? क्यों इस्तीफा दिया? दिक्कत में नहीं आ रही है। दिक्कत ये है कि क्यों इस्तीफा दिया? क्यों इस्तीफा दिया? ऐसा होता है, मतलब एक सीट है सरकार मनती है तो इस्तीफा दो, कोई बात नहीं। विधायक पहले था विधायक, अब बनना है, फायदा कैसे? इससे अच्छा तो सरकार में जाए, बढ़िया अच्छा है। क्या नाम है? मेरा मांगराम नाम है। चलिए साफ तौर पर कहना है क्यों इस्तीफा दिया, अगर इस्तीफा ही देना तो फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? कुछ और साथी हैं हमारे साथ में, नौजवान हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। जी भाई, जब चुनाव हो रहा है क्या लगता है अब की बार क्या माहौल है? अब की बार जी माहौल गोल चल रहा है, अभी खुल कर कोई पता नहीं, बाकी 27 तारीख के बाद पता लगेगा असली चुनाव क्या है। अभी तक नहीं पता चल रहा? नहीं, अब की बार जी पूरा खुल कर पता नहीं लग रहा है भी कौन क्या होगा क्या ना होगा, 27 तारीख के बाद पता लगेगा जी असली। तो आपके मन की एक बात जरूर जानना चाहेंगे, आप एक युवा हैं, वर्तमान में सरकार है, यहाँ पर आपके यहाँ पर अभय सिंह चौटाला ने जो है इस्तीफा दिया, दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी गोविंद कांडा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, इनेलो की तरफ से पवन बेनीवाल मैदान में हैं, आपका मन क्या है, पक्ष में या विपक्ष में? देखो जी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, और बाकी ये राजनीति है जी, राजनीति का कुछ पता नहीं लगता। राजनीति कर रहे हैं सब? सब राजनीति का खेल है जी। एक सवाल पूछना चाहेंगे, आपके क्षेत्र में आज से पहले इतने मंत्री, इतने विधायक, इतनी फोर्स पहले देखी थी कभी? फोर्स जी अब तक मैंने तो पहली बार ही देखी है, इतनी फोर्स है तो इतनी फोर्स जी गलती है वैसे तो, बाकी राजनीति है जी, कुछ भी हो सकता है।
माहौल क्या है? माहौल एक बार आपको कह रहे हैं जैसे माहौल अब की बार गोल ही है जी, फोर्स यहाँ पे आई है, फोर्स यहाँ पे है, मंत्री यहाँ पे घूम रहे हैं, जनता परेशान हो रही है किसी से? परेशान तो जी थोड़ी बहुत तो ऐसे तो होता ही है, होता ही है। हाँ जी। क्या नाम है? राकेश कुमार। अब की बार माहौल जो है यहाँ पे अब की बार वो गोल है, स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ में, एक युवा है, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बाइक से जा रहे हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। इसी गांव से हैं? हाँ जी भी। अच्छा, क्या माहौल चल रहा है आपके? वोट बन चुका है पहले ये बताओ। हाँ, वोट बन चुका है जी। अब की बार पक्ष में या विपक्ष में? पक्ष में ही है जी अब की बार। अब की बार पक्ष में बन बना है? क्या खास बात है, क्यों? खास बात ये है अभी सेंट्रल सरकार ठीक है जी। ठीक है, ठीक है, सेंटर में मानो कोई मतलब क्षेत्र में विरोध भी हो रहा है? हाँ, विरोध तो है जी, पार्टी है, अब एक दूसरा विरोध तो कृषि। किसका विरोध हो रहा है? विरोध वही हुआ है जी, कांग्रेस को रंग नेलो को रे नेलो वाला बीजेपी को रही है। अच्छा अच्छा, चलिए आपने बता दिया, उससे साथ में हम इनसे भी पूछ लेते हैं एक बार। कोई बात नहीं, हम आपसे बात कर लेते हैं एक बार, छोटी सी राय आपसे लेना चाहेंगे। आपके गांव में हम पहुंचे, पंजाब केसरी टीवी की टीम आपके गांव में पहुंची है, यही जानने के लिए अब की बार जनता का मूड क्या है, किसका होगा इलाहाबाद? इलाहाबाद अभय सिंह चौटाला का होगा इस बार। क्यों, क्या बात है? बात ये है कि उनका हमेशा यही रहा है, और बाकी की है कि जो भी है मतलब पार्टी बदलते आए हैं, छोड़ते आए हैं, जो उसकी टिकट थी उसको मिली नहीं आज तक। जिसको मिलनी चाहिए थी, जिसकी जीत थी, वो मैदान में कोई आया नहीं अभी तक। आपके अनुसार किसको मिलनी चाहिए थी टिकट, क्यों खुला नहीं? क्योंकि कांग्रेस की जो टिकट थी वो भरत सिंह बेनीवाल की थी, पूरे हलके को पता है इस बात का कि कांग्रेस की जो टिकट थी अभय सिंह इसकी अपने दड़वा भरत सिंह बेनीवाल की थी और उनको मिली नहीं। उनको ना मिलने का कारण यही है कि मतलब ये कांग्रेस की जो फाइट है जो हल्की हो चुकी है इस टाइम। अच्छा, कांग्रेस बिल्कुल फाइट में है ही नहीं यहाँ पे, है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये हमें ये लगता है कि कांग्रेस इस बार तीसरे नंबर पे जा रही है। तीसरे नंबर पे? बिल्कुल। पहले नंबर को इसको देखते हैं, पहले नंबर पे यही अभय सिंह जी चौटाला है जी। दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पे लोग कह रहे हैं, इस टाइम हम गाँव में घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, आप जैसे पत्रकार बोलते हैं कि दूसरे नंबर पे इस टाइम कांडा आ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि पता नहीं इस चीज का भाई, कोई कह रहा है किस तरह का, कोई काम करवा रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं इस तरह करके। और फिर इस्तीफा दिया था अभय सिंह चौटाला ने, अस्तीफा दिया था किसानों के लिए। अच्छा भाई, किसानों के लिए मैं इस्तीफा देता हूँ और भाई किसान भाई मेरे साथ रहेंगे और मैं किसानों, और इनका तो किसानों का ही था। अच्छा। चौधरी देवलाल जी क्या थे? अच्छा, किसान थे। अच्छा, उनके बेटे किसान है। किसान है? हाँ बिल्कुल किसान है। गुरुराम सिंह चडूनी आए थे कंडेला कांड का जिक्र करके, वो तो देखो जी चलता ही रहता है, एक फर्क पड़ेगा कुछ? वही, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ना इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जीत होनी है, आपको भी पता है कौन है गुरुराम सिंह चडूनी कौन है जी, कौन है? देखो जी, हम राजनीति के अंदर इतना भाग लेते ही नहीं है। अच्छा, हम इतना ही भाग लेते हैं जितने हमारे हल्के का है। अच्छा, बाहर की राजनीति हमें क्या करनी है, हम तो हमारे हल्के की जानते हैं, हमारे परिवार की जानते हैं राजनीति क्या है, गांव की राजनीति देखो, बाहर की राजनीति हमें क्या मतलब। चलिए एक बात क्लियर कर दीजिए, बोलिए, आपके एरिया जो है यहाँ पे इलाहाबाद क्षेत्र है, माधो सिंगना गांव से आप? हाँ जी बिल्कुल। विकास कौन करवा सकता है? विकास हमारे तो इन्होंने चौटाला वाले ने करवाया। देखो इस साइड में एक नहर निकली है और इस साइड में भी एक नहर निकली हुई है, ये जो घग्गर से आती है। जो विकास जमींदार का हो किस चीज़ से होता है आप बताइए? पानी से होता होगा। अगर पानी नहीं है तो फसल कहाँ से हो जाएगी या हो जाएगी? बगैर पानी हो जाएगी तो आप बताओ? क्योंकि हमारे गांव के अंदर पानी था ही नहीं, जो इस वाला और इस वाले जो नहर निकली आगे बिल्कुल मर रेत थी, बिल्कुल रेत। अच्छा, जो हमारी भाषा में टिब्बे बोलते हैं। ठीक है, वो किसने समाधान करवाया? ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने करवाया था। यहाँ पे एक पार्टी का विरोध भी हो रहा है? विरोध तो दुनिया करती है, मैं आपका विरोध कर दूँ आप मेरा क्या कर लोगे? कोई असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ता जी असर, इस चीज़ का क्या असर है किसी को? जो काम करवाने वाला आदमी है, जो मेन आदमी होता है, अब वो जो भी होगा उसकी बुराई तो हर आदमी करता है, कितने भला आदमी का। आपका नाम बता दीजिए एक फाइनल, ये बता दीजिए किसको जिता है? हाँ जी, एक अपना नाम बता दीजिए, एक ये बताइए किसको जिता है? मेरा नाम चंद्रभान शर्मा है, गांव माधो सिंघाना, जिला सिरसा, हरियाणा। चलिए, यह है चंद्रभान शर्मा, गाँव माधो सिंघाना, लगातार राय ले रहे हैं। माधो सिंघाना में हम पहुंचे हुए हैं, पंजाब केसरी की पूरी टीम, हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक युवक है, आपका गाँव माधो सिंघाना? माधो सिंघाना, क्या माहौल है आपकी बार चुनाव? बढ़िया माहौल है, पक्ष में या विपक्ष में? देखो पक्ष और विपक्ष तो वोट डालने के बाद की बात है, बाकी सामान्य तौर पे यही कहा जा सकता है भाई टक्कर में है, तीनों तीनों टक्कर में। हाँ,
अच्छा, त्रिकोणीय मुकाबला आप बहुत बढ़िया त्रिकोणीय मुकाबला होना चाहिए। अच्छा, जीत के कौन सी किसके सरताज से जगह इलाहाबाद किसका होगा? देखो वोट बैंक के हिसाब से, पहले के हिसाब से तो अभय सिंह चौटाला जो पीछे जीत के आए हैं उस हिसाब उनके वर्कर बहुत बढ़िया है, उनकी वर्करी बहुत तेज है। बीजेपी का नहीं है? बीजेपी के वर्कर, मैं भी कांग्रेस का, मैं भी बीजेपी को वोट देता हूँ पर वर्करी नहीं है। अच्छा, बीजेपी को वोट देते हैं? हाँ, एक सामान्य वोट गिरता है, जैसे कि अमूमन मानते हैं कि चुप वोट हो गया, गांव में बोलता नहीं है, सामने नहीं आता। अच्छा, तो वो साइलेंट वोट किसको है? वो भाजपा की वोट है, बाकी इनके प्रत्याशी है, इनके वर्कर है, इनका वोट बोलता है। अच्छा, विकास कौन करवा पाएगा पहला बात का? विकास तो जी सरकार के हित में, सरकार के पक्ष में वोट डालेंगे तो काम होगा। काम होगा सरकार के पक्ष में डालेंगे तो बहुत बढ़िया काम होगा। काम होगा, नहीं तो नहीं तो विपक्ष तो बैठे हैं, विपक्ष तो बैठे हैं। बार पक्ष में नहीं जाएंगे हम तो, विपक्ष में कभी देते नहीं है, पक्ष में देते हैं, सरकार की तरफ ही देते हैं। चलिए ठीक है, अब की बार इनका जो मन है। पंजाब के श्री टीवी की टीम अब इलाहाबाद के माधु सिंगाना गाँव में है। कुछ बुजुर्ग हैं यहाँ पे जो यहाँ पे ताश खेल रहे हैं, आराम जो है फरमा रहे हैं। जिस प्रकार से हम गांव टू गांव जा रहे हैं, राय ले रहे हैं कि अब की बार इलाहाबाद किसका होगा, अब की बार ये किसके साथ में जाएंगे, पक्ष में बैठेंगे या विपक्ष में बैठेंगे, कुछ बुजुर्ग यहाँ पे हमसे जानना चाहेंगे क्या मन है अब की बार यहाँ कांग्रेस इस गांव में, तो कांग्रेस और इन लोगों की टक्कर आई इस गाँव में क्या खास बात है? दोनों पार्टी, दोनों पारंपरिक वोट है दोनों पार्टियों के पास यहाँ पे, पुराने वोट है। अगर यहाँ बरसिंह को टिकट मिलती तो कांग्रेस एक तरफा जीतती, एक तरफा जीत जाती। बीजेपी का क्या माहौल है? बीजेपी का यहाँ कोई खास माहौल नहीं है। अब की बार आपका मन तो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि पक्ष में बैठेंगे, विपक्ष में बैठना फायदा, पक्ष में बैठना पड़ेगा जी, विपक्ष में बैठना। कारण किसान आंदोलन जी, किसान आंदोलन कितना प्रभाव है यहाँ पे आंदोलन? पूरा प्रभाव है जी, पूरा प्रभाव है, विरोध हो रहा है। गांव तो बहुत शांतिप्रिय, विरोध नहीं करता किसी का, बात सभी की सुनता है, लेकिन वोट की चोट ही मारेगा, वोट की चोट मारेगा। क्या नाम है? रोहतास। अच्छा, आपसे भी पूछ लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं, सेम बता दो, ठीक है, आपसे पूछ लेते हैं। आपका माधु सिंगाना गाँव है, ये क्या माहौल है अब की बार यहाँ पे चुनाव को, उपचुनाव को लेकर? माहौल वही है बस, बीजेपी कांग्रेस गिरेंगे, इन लोग टक्कर है, बीजेपी का नाम निशान कौन है? अच्छा, बताना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस प्रकार से यहाँ पे आज से पहले कभी आपने इतनी फोर्स, इतने नेता विधायक दिखा था कभी इलाहाबाद में? नहीं, जम्मू कश्मीर में दिखा हुआ टेलीविजन में, हर तो मैं तो कौन देखी कभी। कैसी हालात बना दिए आप जम्मू कश्मीर वाले? वो तो बता रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में देखी थी ऐसी तो। अच्छा, जम्मू कश्मीर वाले हालात यहाँ पे हालात हैं, बन चुके हैं जो, हाँ, बॉर्डर के गांव के होते हैं, युद्ध के दौरान वो हालात हो रहे हैं, युद्ध जैसे हालात हैं। हाँ, इतनी फोर्स है, परेशानी हो रही है कुछ? परेशानी सारी है। क्या भी सारा दिन हट देखा, कोई अच्छी बात थोड़ी है, इतनी हट, कोई तनाव नहीं और नहीं, बिना मतलब की लिया गया फोर्स ठोकरा की है। किस पार्टी के पीछे फोर्स देख रहे हैं आप? बीजेपी के सगाई है, और किसी पार्टी के पीछे नहीं, और की नहीं, जरूरत ही कौन है, बने डर लगे भाई ले, डर ले वो ही ले, और कौन ले। क्या माहौल है वैसे देखा जाए? माहौल तो बता दिए ना आपको, वही है, फोर्स जैसे यहां पे घूम रही है। नहीं, गलत है फोर्स लेके घूमना, और माधु सिंगाना तो आज तक किसी कैंडिडेट का विरोध ही नहीं हुआ। अच्छा, फिर भी हम जो भी बीजेपी का प्रतिनिधि आता है उसके साथ बहुत ज्यादा फोर्स होती है, और इस गांव ने अभी तक किसी का विरोध नहीं किया, किसी का विरोध नहीं किया, करेंगे भी नहीं, करेंगे भी नहीं। और वोट? वोट तो बीजेपी को चोट मारेंगे, बाकी देखेंगे। चलिए, कहा इन्होंने कि वोट तो बीजेपी को चोट मारेंगे, बाकी देखेंगे। अंकल जी कहना चाहेंगे कुछ चुनाव को लेकर? तुम बता ही नहीं, खेत में जाऊंगा यार। अच्छा, तो है बस खेत में जाओ और मौज मारा, बस खेत में जाओ मौज मारो, बस बढ़िया मौज हो रही है, खेती करते हो, भाव भू मिल जाता है सरकार में, भाव बहुत, अगला चौधरी ले आपा के लेना है आपा ने नहीं लेना, पांचवा ना बाबा जी का किंग भाव मिले तो। अच्छा, बिंदु जिम्मेदार का वो भी तो मिले। अच्छा, इसे पे खेती करता है ये, बस। अच्छा अच्छा, चलिए अंकल और भी हैं हमारे साथ, उनसे ही बात कर रहे हैं, जाड़ दुख रही है आपकी भी, बोलो बोलो बताओ किस तरह का माहौल है? माहौल तो इंगो नल्लो और इंगो ही है, और पवन पवन पवन। अच्छा, बीजेपी को तो कौन नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं है? अब वो तो के कास का क्यों नहीं है, बिल दुनिया परेशान है, दापी कौन है, किसे परेशान है दुनिया? बीजेपी हूँ, कैसे कैसे के आंदोलन वाली कौन ला रही था, जनता ही बेकार फिर ला रही है,
बेमतलब हुई मान ले पुलिस है और है फोर्स आने ला रही है सागे और क्या होगा फोर्स आने से परेशानी हो रही है आपको हाँ तो होएगी अच्छा पहले देखे थे इतनी फोर्स नहीं देख पाए थे कभी नहीं आएगी जी मारो काम विरोध तो है नहीं किसी की कोई एमएलए आवे कोई की आवे फोर्स आने से क्या माहौल बना है अब के बता मन तो है दो ही टक्कर लगा है कांडो तो जोर दो ही टक्कर लगा है फोर्स से परेशान है यहाँ के लोग इस वक्त हम माधु सिंघाना के अंदर जो पहुंचे थे अलग अलग राय सबने दी है कोई कुछ लोगों का यहाँ पे कहना है कि जो टक्कर अब अंतिम पड़ाव में जो चुनाव जो पहुंच चुका है मात्र कुछ दिन बाद 30 तारीख को वोटिंग होनी है जनता किसको वोट करती है किसको इलाहाबाद का ताज पहनाती है ये तो 2 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो पता चल पाएगा हालांकि हम गाँव टू गाँव जा रहे हैं लोगों की बिल्कुल पक्ष और विपक्ष के बारे में राय ले रहे हैं क्या समस्या है वो भी हम लगातार उनसे पूछ रहे हैं आप जुड़े रहिए लगातार पंजाब केसरी टीवी के साथ में पंजाब केसरी टीवी के लिए इलाहाबाद से अनिल कुमार हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद